तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे दूध को जला करके खोआ तैयार किया जा रहा है पेड़ा बनाने के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं भैया पेड़ा बना रहे हैं अभी। अगर यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर आते हैं खाने तो उसको कुछ डिस्काउंट दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। हाँ दोस्तों नमस्कार, देख सकते हैं अभी हम लोग आ चुके हैं एक पेड़ा के दुकान पे, जो कि यहाँ का बहुत ही मशहूर पेड़ा है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग खाने आते हैं और यहाँ से बहुत दूर दूर तक सेल भी होता है। जैसे देवघर का पेड़ा जैसे फेमस है ना, वैसे ही ये छपरा का जो रोड है यहाँ का ये पेड़ा फेमस है। इसके इसके बारे में अभी पूछेंगे इनसे, उसके बाद यहाँ का एड्रेस भी बताएंगे, आप भी आके ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए पूछते हैं, अभी उधर बन रहा है कढ़ाई में, तो चलिए वो भी दिखाते हैं आपको। तो आइए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। क्या कर रहे हैं ये? ये खोआ कटा रहा है। खोआ कटा रहा है, कितना देर तक लिए इसको बनाया जाता है? ये जब टाइट हो जाएगा तो ये हो गया, तैयार हो गया। देख सकते हैं अभी पूरा का पूरा रेडी कर रहे हैं भैया, बहुत देर से कर रहे हैं। अभी जब हम लोग रुके तभी से देख रहे थे, उसी टाइम से ये हो रहा था। चलिए अभी कुछ बातें करते हैं इसके बारे में, जानते हैं कि कैसे क्या बनाते हैं और इतने दूर दूर से लोग क्यों आते हैं यहाँ पे खाने। तो भैया इसके बारे में कुछ बताइएगा। क्या बताइए इसके बारे में? यही यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग खाने आते हैं। कहाँ का पेड़ा मशहूर है? मशहूर है। हाँ, नामी है। नामी है। इसमें क्या क्या मिलाते हैं इसमें कि लोग? इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ दूध को जला करके इतना हुआ है। बस दूध को जला के ओरिजिनल? जी ओरिजिनल। इसमें कुछ मिलाया नहीं जाता? नहीं नहीं कुछ नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ ओरिजिनल दूध को ही चला के यहाँ पे बना के बेचा जाता है, इसमें कुछ भी मिलावटी नहीं है। भैया कितना देर तक ले आप बनाएंगे इसको? बस 20 मिनट और लगेगा। 20 मिनट और लगेगा, उसके बाद ये बन के रेडी हो जाएगा। टोटल कितना समय लगता है अभी इसमें? टोटल लग जाता है 2.5 घंटा। 2.5 घंटा लगता है बनाने में। तो देख सकते हैं यहाँ पे भैया जो बना रहे हैं अभी, ये कितना देर में बना के रेडी किए हैं ये सब? 1 घंटे में इतना बना चुके हैं। देख सकते हैं दुकान कितना दिन पुराना है? 40-45 साल। 40-45 साल पुराना दुकान है। और यहाँ से बहुत सुने हैं, बहुत दूर दूर से यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, लेकर जाते हैं, खाते हैं। बहुत इसका नाम है, बहुत नाम है। दुकान का क्या नाम है? दुकान का क्या नाम है? मनपसंद मिष्ठान भंडार। मनपसंद मिष्ठान भंडार, यहाँ पे आप भी आके खा सकते हैं। तो अभी हम लेंगे, अभी ट्राई भी करेंगे। कितना रुपए केजी है? केजी 360-10 रुपये पीस। 360 रुपये केजी है और 10 रुपये पीस है। तो आप भी आके यहाँ ट्राई कर सकते हैं। हालांकि आपको दिखाए भी हैं वहाँ पे, ओरिजिनल दूध का एकदम फारा जाता है, कुछ भी मिलावटी नहीं है। मेरे सामने बन रहा है अभी, देख सकते हैं गाइस, अभी बन के पूरा रेडी हो चुका है। बोले थे भैया 20 मिनट हो चुका है। अब ये जाएगा वहाँ पे, उसके बाद इसको बनाया जाएगा, उसके बाद यहाँ इसको बेचा जाएगा। तो चलिए अभी वहाँ से लेंगे, अभी हम भी ट्राई करेंगे, उसके बाद आप लोग को बताएंगे कि टेस्ट इसका कैसा है, क्या ओरिजिनल सही में मिलता है या नहीं मिलता है। चलिए वीडियो में बन रही है, चलिए लेते हैं। देख सकते हैं गाइस, ये मेरे हाथ में आ चुका है पेड़ा। अभी हम इसको ट्राई करेंगे और उसके बाद आप लोग को बताएंगे इसका टेस्ट ओरिजिनल पेड़ा की तरह है या नहीं है। चलिए अभी ट्राई करते हैं, वीडियो में बने रहिए। इसके साथ में और कुछ भी दिए हैं, इसके साथ में और कुछ भी दिए हैं, ये छेना का जो है ये गांजा है, ओरिजिनल छेना का गांजा, और इसको भी साथ में ट्राई करेंगे। तो ये रहा पेड़ा। तो गाइस इसका टेस्ट अभी हम खा चुके हैं, बाद में बताएंगे, पहले इसको भी खाते हैं और ट्राई करते हैं ये कैसा है। यहाँ दिखा सकते हैं पास से, देख सकते हैं गाइस ओरिजिनल छेना का ये जो गांजा है। तो गाइस इसको अब ख़त्म करते हैं और इसके बारे में बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है, तो वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स अभी हम खा चुके हैं पेड़ा और उसके बारे में क्या ही बताएं, एकदम ज़बरदस्त लगा। आप लोग को भी पता है जहाँ भी हम जाते हैं एकदम देसी दुकान और ओरिजिनल दुकान पर ही जाते हैं, जहाँ पे ओरिजिनल चीज़ मिलता हो। तो ये भी खा के बहुत ज़बरदस्त लगा। अभी इस खासियत क्या है कि पेड़ा इतना ज़बरदस्त आप बनाते हैं? यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग खाने आते हैं। अभी देखे भी गाड़ी से लोग, एक आदमी बोलेरो से ले गया, एक आदमी कार से ले गया, तब हम देख कर यहाँ पे आए हैं दोबारा खाने। देखिए पहली बार यहाँ जो है शुद्ध काम होता है, ओरिजिनल दूध का पेड़ा बनता है, इसलिए आदमी यहाँ ज्यादा ठहरता है। और आज से मशहूर नहीं है, बहुत पुराना है यहाँ पे, लमसम 40 साल पुराना जगह। 40 साल? हाँ 40 साल पुराना, देख सकते हैं फ्रेंड्स 40 साल पुराना दुकान है। ओरिजिनल के ले करके यहाँ जगह मशहूर है पेड़ा, यहाँ बहुत नामी है, बहुत बहुत दूर से आदमी आते हैं और विदेश तक यहाँ से पेड़ा जाता है। तो हमारे सब्सक्राइबर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर उनको यहाँ पे आना होगा तो एड्रेस बताइए कुछ? ये जगह हो गया आम डाढ़ी ढाला। हाँ ये मतलब छपरा टू मतलब सिवान वाले रोड पे है। अगर यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर आते हैं खाने तो उसको कुछ डिस्काउंट दीजिएगा? हाँ बिल्कुल, काहे नहीं, अगर आएंगे ज़्यादा लेंगे तो बिल्कुल डिस्काउंट होगा। अगर आप
हमारे चैनल के तरफ से आते हैं मिस्टर रवि चैलेंजर के तरफ से, नाम रखिएगा तो भैया आपको डिस्काउंट देंगे, आके एक बार ट्राई कीजिए और यहाँ से लेकर जाइए। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने भाई को आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।